नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसके आसपास ही आपके यदि नंबर है तो आप यहाँ फाइनल मान के चलिए कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं आखिर जो कट ऑफ रहने वाला है भाई कितना रहेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप शिक्षा एकेडमी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं आखिर कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि जो मैं यहाँ कट ऑफ दिखाने जा रहा हूँ यह पूरी तरह से अनुमानित कट ऑफ है, इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जनरल वालों की, तो जनरल वालों का यहाँ पर कट ऑफ रहने वाला है 70+। यदि आपके नंबर आते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना के चांस पूरे पूरे चांस आपके हो जाते हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों ओबीसी वालों की, तो ओबीसी वालों की यदि आपके नंबर 65 से प्लस नंबर यानी 65-66 जितने भी नंबर आते हैं तो आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होना कन्फर्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एससी की बात करें, तो एससी के यदि 60 नंबर भी आते हैं आपके तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के चांस बन जाते हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों एसटी वालों की, तो एसटी वालों के जो एसटी कैटेगरी होती है उनके यदि 55 नंबर से भी ज़्यादा नंबर यहाँ पर आते हैं तो दोस्तों देखिए उनके यहाँ पर सिलेक्ट होने के पूरे पूरे चांस बनते हैं, क्योंकि एसटी का हमेशा ही कम नंबरों पर सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों जो मैंने यहाँ पे कट ऑफ बताई है आप लोगों को यह पूरी तरह से सत्य नहीं है, यह अनुमानित कट ऑफ है जो कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकती है और इसमें घट भी सकती है। तो आप बिल्कुल दोस्तों इसको फाइनली मान के मत चलिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी कट ऑफ दिखाई जाती है वह सभी अनुमानित कट ऑफ दिखाई जाती है, कुछ भी 100% नहीं होती है। तो दोस्तों यह जो कट ऑफ मैंने दिखाई है यदि आपको यह पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर वीडियो के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।